सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अफगान हुकूमत को लेकर अब एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जिसने इंडियन मीडिया में खलबली मचा दी है। दोस्तों हुआ कुछ यूं है कि कुछ हफ्तों से तालिबान हुकूमत बनाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन तालिबान ने ये फैसला किया कि ये हुकूमत पाकिस्तान की मशावरत के बगैर नहीं बनाई जा सकती। इसी मकसद के लिए पाकिस्तान ISI चीफ जनरल फैज ने काबुल का दौरा किया और तालिबान से मुज़ाकरात किए। तालिबान ये कह रहे हैं कि अब बहुत जल्द हुकूमत बना दी जाएगी। तालिबान पाकिस्तान के मशवरे के बगैर हुकूमत क्यों नहीं बना रहे, इसे लेकर इंडियन मीडिया में खलबली मची हुई है। इंडियन मीडिया का क्लिप सुनाने से पहले आपको बता दूं कि तालिबान ने इंडिया के हवाले से ये कहा कि इंडियन मीडिया अफगानिस्तान के मुतालिक सबसे ज्यादा प्रोपोगंडा करने वाला है और हम इसे देख लेंगे जब हुकूमत मुस्तकिम हो जाएगी। दोस्तों आप इंडियन मीडिया का क्लिप जरा सुन लीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल पहुंचा है ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी है ISI, कई अधिकारी भी ISI प्रमुख के साथ मौजूद है। तालिबान के नेताओं ने उसे न्योता भेजा है क्योंकि 2-3 दिन के अंदर तालिबान सरकार बनाएगा, तालिबान सरकार का गठन हो जाएगा। और क्या ऐसे में अब ISI का भी कोई रोल होने जा रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।